यो भाई कैसा है? अबे यार तू फिर आ गया भाई, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है यार तेरे से बात करने में, तू यहाँ से चला जा प्लीज। शायद आप सब मानोगे नहीं पर ये मेरा बेस्ट फ्रेंड रेक्सी है। पर रेक्सी हमेशा से ऐसा नहीं था। जब से लॉयल एसएमपी में एक सीक्रेट सोसाइटी नाम की टीम बनी है तब से रेक्सी मेरे से दूर होता जा रहा था। पहले हम लोग साथ में वॉर्स लड़ते थे लेकिन अब हालात धीरे धीरे ऐसे बन रहे हैं कि शायद हम लोग एक दूसरे से ही लड़ना पड़ जाए। पर मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहता था क्योंकि रेक्सी मेरे लिए सब कुछ था। चाहे जो हो जाए मुझे सीक्रेट सोसाइटी को रोकना था, पर सीक्रेट सोसाइटी को रोकना सिर्फ मेरे अकेले का गोल नहीं था। सैन भाई ब्रो, हमने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि हम सभी को सीक्रेट सोसाइटी ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। बट जहाँ तक हमें पता है कि रेक्सी जो कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है वो सीक्रेट सोसाइटी का एक पार्ट है, तो तुम्हें पता होगा कि अब हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम रेक्सी के पास जाओ और उसे सीक्रेट सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन निकलवाओ और हमको ला कर दो जिससे कि हम सीक्रेट सोसाइटी को रोक पाए। सीक्रेट सोसाइटी को रोकने का तो प्लान हमने बना लिया था लेकिन सीक्रेट सोसाइटी असल में है क्या? सीक्रेट सोसाइटी एक प्लेयर है जिसकी आइडेंटिटी अब तक किसी के सामने नहीं आई है और ये टीम में सिर्फ 3 लोग हैं, यू प्लेयर्स, ओएस और मेरा दोस्त रेक्सी। अगर मैंने इनके लीडर का नाम पता कर लिया तो मैं उसे बैन करके रेक्सी को रोक पाऊंगा एंड शायद ये करने से वो सीक्रेट सोसाइटी को भूल के मेरे पास वापस आ जाए। फिर क्या, मैं रेक्सी के पास चला गया पूछने कि मैं उसकी टीम ज्वाइन कर सकता हूँ या फिर नहीं। यो भाई कहाँ पर है? यो कैसा है? सही हूँ भाई, तू बता अपना जो भी है। बढ़िया हूँ भाई। भाई कितने दिनों से बात नहीं हुई हमारी, लेजिट इतने दिनों से। मैं तो खेल ही रहा हूँ, तू क्या कर रहा है आजकल भाई? अरे थोड़ा काम वगैरह, वही लॉयल में ही थोड़ा है मिशंस वगैरह हमारी टीम के। मिशन कौन सी टीम? वो ओएस तू और युग? हाँ और तो क्या ही है, अपन है सबसे डोमिनेट, हम ही तो कर रहे हैं लॉयल, और का ही कोई कर रहा है। तेरी नई टीम के साथ ही तू टाइम स्पेंड करता है ज्यादा देख रहा हूँ। तो वही मतलब सीक्रेट सोसाइटी का मिशन तू कर रहा है आजकल? तो और कौन से मिशन होंगे भाई, वही तो है। सही है सही है सही है। मैं कब सोचता हूँ कि काश यार वो वाले टाइम वापस आ जाए जब हम दोनों मिलके अकेले ही इनफ थे सर्वर के लिए एंड और किसी की जरूरत नहीं थी हम लोग को। वो टाइम अभी जा चुके हैं भाई। क्यों यार, मतलब लाने को ला सकते हैं वापस अगर हम फिर, मतलब हम लोग एक टीम में है क्या या क्या सीन, हम लोग समझ नहीं आ रहा क्योंकि मुझे नहीं पता भाई, मेरे से मत पूछा कर ये सब। ओके मेरे को सुन, अगर पॉसिबल है मैं तेरे साथ सीक्रेट सोसाइटी में ज्वाइन करके कुछ करूं कॉज। अरे यार भाई मेरे को मत बताया कर भाई, पहले मैं तेरे को पहले ही बोल चुका मैं नहीं जानता, मैं लेता ही नहीं सोसाइटी बंदे यार, फालतू के बातें बोलता है एकदम। सोसाइटी में ले ले, वो सोसाइटी खुद से लेती है, जिनको आना था वो आ चुका है, युग मैं वेस और कोई नहीं चाहिए। मेरा क्या भाई, मैं तो हमेशा से तेरे साथ था, तेरे काफी। अरे तो भाई मैं अगर अबे सोसाइटी का खुद का रिस्पेक्ट है भाई, मैं अभी जाके सोसाइटी को बोल दूंगा भाई ये देखो ये मेरा दोस्त है इसको ले लो, तो थोड़ी ले लेगा भाई, वो नहीं लेता, ऐसे काम ही नहीं करता सोसाइटी। मैं चलता हूँ बाद में बात। कहाँ जाना है भाई, तू ऐसा क्यों कर रहा है आजकल, क्या हो गया? अरे सोसाइटी का ही मिशन है और मैं इतना ही बता सकता हूँ, मैंने बहुत बता दिया भाई तेरे को, अपनी बात चल तो बाद में आता हूँ भाई, बाद में देखते हैं। अरे भाई सुन तो सही, हम लोग वो स्पॉन पे जाके अरे बाद में देखते हैं ना भाई। सैनपाई ब्रो, फिर क्या इन्फॉर्मेशन लेके आए हो? मैंने बहुत कोशिश करी गाइस, सच बता रहा हूँ, मैं उसके पास गया रेक्सी के पास, मुझे लगा था मैं उसके पास जाके बोलूंगा कि भाई मुझे टीम में ले ले एंड टीम में जाने के बाद मैं कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के कुछ तो पता चलेगा ना कि कहाँ किस क्या बेस है उसका, लेकिन भाई रेक्सी ने बदतमीजी अलग कर दी मेरे से। What? कहता भाई अभी बात मत कर भाई, मेरे को बहुत काम है, तू दिमाग भाई व्हाट, आपका फ्रेंड एक सेकंड, वही तो तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ब्रो। ना ना भाई मैं ना सहता, मुझे बुरा लगा काफी इस बात का, हालांकि आई कांट डू एनीथिंग, आई डोंट थिंक सो रेक्सी, मेरे को तो कुछ गड़बड़ रहा है भाई। वही गाइस भाई, अब देखो वैसे हम जो बोल रहे थे सैन भाई तुम्हें समझ में आ चुका होगा, रेक्सी जो है किसी सीक्रेट सोसाइटी के कंट्रोल में, लिटरली तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, उसको कोई और कंट्रोल कर रहा है, वो एक पपेट बन के रह गया, तो अब तुम्हें कुछ करना होगा, कुछ करना पड़ेगा। बट क्या करूं यार, इतना मतलब उस वो बात करने के लिए अब रेडी भी नहीं हो रहा है मेरे से, अच्छे से बात भी नहीं करता, हमारी दिन में पूरा दिन हम लोग बात करते थे, अब कुछ दिक्कत हो गया बहुत बड़ा भाई। ये कहां से टपका, बहुत बड़ा लोच हो गया है। क्या हो गया भाई, ऐसे तो आ हड़बड़ी में, सर्वर में ड्यूपिंग चल रहा है एडी भाई, आपके सीपी में ड्यूपिंग चल रही है? यस अभी मैं आपको कह सकता हूं, इम्पॉसिबल ब्रो, इम्पॉसिबल, सर्वर में बहुत सारे ऐसे प्लगइन डले हुए हैं जिनसे ड्यूपिंग हो ही नहीं सकती। अरे बोलने दो गाइस, बोलने दो, अरे रुक जाओ, बोलने दो, मेरे पास ऐसे बहुत है, पूरे नोचेस भरे हुए चेस्ट के, सीक्रेट सोसाइटी तुम जानते होगे, वो ड्यूपिंग कर रही है, वो सारी लीगल काम कर रही है, अभी एक काम नहीं छोड़ा उन्होंने, बहुत लोच हो रहा है टेडी भाई, आपको संभालना पड़ेगा, एसएमपी खतरे में है। किसी ने मुझे ये नहीं बताया था कि ओएस भी हमारे साथ है। नहीं नहीं, ऑब्वियसली सैनपाई ब्रो ये हमारी तरफ है, ये भी मतलब सीक्रेट सोसाइटी के खिलाफ है और ओएस हमारे लिए इन्फॉर्मेशन लेके आता है। ये मैं ड्यूपिंग व्यूपिंग क्यों करूंगा साथ में उनके, वो रिलैक्स रिलैक्स। तो एक काम करते हैं, तुम्हें उनका सीक्रेट बेस पता है ना कहाँ पर है? या मुझे पता है। ठीक है तो सैन भाई तुम ओएस के साथ जाओ क्योंकि वहाँ पे खतरा हो सकता है, तुम जाओ और वहाँ से वो बेस देख जाओ। नहीं नहीं टेडी भाई, टेडी भाई सुनो,
मैं ओएस के साथ उस बेस पे नहीं जा सकता। क्यों? अगर एक्स ने मुझे देख लिया, हमारे टर्म्स वैसे भी अच्छे नहीं है, मैं और नहीं चाहता कि हमारी और दोस्ती खराब हो इस वजह से। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि ड्यूपिंग रुके, इसलिए कोई और जा सकता है। टेडी भाई, आप और औसान और ओएस भाई, आप लोग जाओ, और जितना भी वहाँ पे ड्यूपिंग सामान है प्लीज सारा का सारा वहाँ से खाली करो। हम लोग जीरो को वो आइटम दिखा के उनको बैन करा सकते हैं। हमको जस्ट वो प्रूफ वहाँ से प्रूफ लेके आना होगा जितना भी सामान है। एग्जैक्टली, बट टेडी भाई एक प्रॉमिस करना पड़ेगा आपको मेरे से, प्लीज उस बेस को मत फोड़ना। उसने वो अपनी मेहनत से बनाया है, मैं जानता हूँ मैं तुम लोग के साथ हूँ, बट रेक्सी की मेहनत इसमें लगी है। आई नो ड्यूपिंग खराब है, ड्यूपिंग के सारे आइटम्स जला दो, बट उसकी बेस की मेहनत प्लीज वेस्ट मत करना। आई गेस उसको बुरा लगेगा काफी। हम ड्यूप वाला सारा सामान वो पूरा बेस भरा हुआ है, हमें पूरा बेस। अरे तो कोई नहीं, हमें तो बस ड्यूप वाला सामान डिस्ट्रॉय करना है ना। ड्यूप वाला सामान सामान चला देना। चलो देख के, अगर हमें किसी हेल्प की जरूरत होगी तो हम तुम्हें मतलब मैसेज करेंगे, तैयार रहना। ठीक है, हम सब रेडी रहेंगे। चलो ओएस ब्रो, ले चलो, लेट्स गो। चलो मेरे पीछे करो। चलो लेट्स गो गाइस, बेस्ट ऑफ लक गाइस, बेस्ट ऑफ लक गाइस। जितनी देर में ये लोग सीक्रेट सोसाइटी की टीम के ड्यूप सामान को गायब कर रहे थे, उतनी देर में मैं पूरी एसएमपी को एक्सप्लोर कर रहा था सीक्रेट सोसाइटी के दूसरे बेसेस ढूंढने के लिए। एंड आफ्टर एन आवर ऑफ एक्सप्लोरिंग मुझे एक बहुत खतरनाक बेस मिला। ओ भाई, ये क्या है? व्हाट, ये किसका बेस है भाई? व्हाट द हेक, इतना ओपी बनाया है भाई ये बेस। रुको, जाके देखता हूँ क्या है यहाँ पे। रुको भाई, यहाँ पे बहुत सारा सामान हो सकता है। ओ एक सेकंड, टेडी भाई और औसान भाई, व्हाट भाई इतना लैग क्यों हो रहा है भाई? इतना बढ़िया बेस इनका मुझे पता नहीं था यार। एक मिनट, बात करके आता हूँ इन लोग से, क्या चल रहा है। व्हाट डूड, व्हाट, मेरे एफपीएस मर रहे हैं। एक तो भाई इन लोग से वीसी, गाइस वीसी, व्हाट, हेलो हाँ हेलो भाई, ये क्या लैग हो रहा है? क्या ये इतने सारे एन्चेंटेड एप्पल्स कैसे हैं यहाँ पर? टेडी भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ब्रो ब्रो पीछे। अरे वो सब छोड़ो, लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? मैं तो इतना एक्सप्लोर करते करते मैं सीक्रेट सोसाइटी का एक सेकंड, छोड़ो औसान भाई, नहीं छुपा पाएंगे इतने सारे। छोड़ो ये सीक्रेट सोसाइटी का बैनर है, ये क्या चल रहा है टेडी भाई? ठीक है सैन भाई ब्रो, सीधा अब हम तुमको बता देते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि यस, हम ही सीक्रेट सोसाइटी है। यस, व्हाट, पर क्यों भाई, कब से चल रहा है ये सब? जब से सीक्रेट सोसाइटी का नाम सर्वर में आया तब से। बट yes. मुझे लगा आप सर्वर को पीस में करना चाहते थे, बट आप तो यार सर्वर को और पीसेस में कर रहे हो। अरे ब्रो हम, चलो छोड़ो, देखो हम सारी चीजें अगर तुम्हें समझाने पे आए तो काफी टाइम निकल जाएगा, बट हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या है आपके पास मेरे लिए? क्या तुम सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करोगे? सीक्रेट सोसाइटी मैं ज्वाइन करूंगा। यस, देखो तुम हमेशा से ऐसे ही हो सैनपाई, तुम हमेशा एविल साइड रहते हो, और मेरे हिसाब से इस टाइम सीक्रेट सोसाइटी से ज्यादा कोई एविल है इस सर्वर में। yes, और हमारे पास वो सब है जो तुम्हें चाहिए, हमारे पास सारी चीजें लड़ाई करने के लिए तुम्हारे लिए। वो भी नहीं रोक पाएगा हमें पूरे सर्वर में। yes. I'm sorry guys, but मैं I don't think so, मैं ज्वाइन कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे थोड़ी अलग तरीके से खेलना है, मैं कभी टीम में नहीं खेला हूँ। जो करता हूँ मैं अकेले प्लान्स बनाता हूँ, एंड किसी के अंडर रह के काम करना है जस्ट नॉट माय थिंग। तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो ये सब, बट बट तुम्हें सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करना है तो भाई टीम में काम करना पड़ेगा। exactly. बट अगर तुम्हें नहीं करना है तो तुम्हें हमसे प्रॉमिस करना होगा कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। टेडी भाई आपको ये सब नहीं करना चाहिए, लोगों से झूठ बोल के आप इतनी गंदी वाली ड्यूपिंग कर रहे हो यहाँ पर, जो सर्वर लेजिट लैग कर रही है। छोड़ो ब्रो सैनपाई, अगर तुम टीम ज्वाइन नहीं करना चाहते तो तुम यहाँ से जा सकते हो, बट अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तुम यहाँ से तुम्हें जो भी आइटम चाहिए, जो भी आइटम, वो तुम ले सकते हो। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस थे, पहला कि मैं सीक्रेट सोसाइटी का पार्ट बन जाऊं और ये सारे ड्यूप्ड आइटम्स मेरे होंगे जिसकी मदद से कोई मेरे को मार भी नहीं पाएगा, एंड साथ ही साथ मैं शायद रेक्सी के साथ क्लोज हो जाऊं, और दूसरा ऑप्शन कि मैं इनका पहला ऑप्शन रिजेक्ट कर दूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए यहाँ से टेडी भाई, सॉरी मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ओके देन भाई ब्रो, बट याद रखना तुमने प्रॉमिस किया किसी को नहीं बताओगे। व्हाट, कैसे हो सकता है ये? जिसने मुझे ये टास्क दिया, टेडी ने मुझे बोला था कि उनकी हेल्प करो, एंड वही सीक्रेट सोसाइटी है। व्हाट, ऑब्वियसली मैं बहुत डिस्टर्ब था क्योंकि टेडी गेमिंग और औसान बहुत इनोसेंट प्लेयर्स थे जो हमेशा सच्चाई की राह पे चलते थे, लेकिन ये सब सिर्फ उनका एक झूठ था। इनके सच्चाई के बारे में पूरी लॉयल एसएमपी जानना डिजर्व करती थी।
हेलो एवरीवन, मैंने आप लोग को यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए बुलाया। आप लोग को पता होगा मैं सीक्रेट सोसाइटी के इस टास्क में मतलब आप लोग के साथ जुड़ा था ढूंढने में कि सीक्रेट सोसाइटी कौन है बहुत दिनों से। एंड फाइनली इतनी मेहनत के बाद मैंने ढूंढ लिया कि सीक्रेट सोसाइटी कौन है। कौन है? कौन है भाई? तो जब मुझे पता चला था ये कौन है सबके पीछे, तब मैं खुद को बिलीव नहीं कर पा रहा था। एंड आई गेस आप लोग भी मुझे बिलीव नहीं करोगे, बट इस सबके पीछे थे टेडी गेमिंग और रोशन भाई। क्या ये दोनों कहां से आ गए भाई? सब लोग काम रहो, सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाओ, रोसेस पे बैठ जाओ। ओके, मैं भी बहुत परेशान था, बट नाउ हम सबको पता है कि ये लोग थे एंड इन लोग ने सब कुछ बिगाड़ा है सर्वर का अकेले। अबे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हां भाई, तो इतनी देर से हमारे साथ ही थे ये। अरे ये तो एक सेकंड, ओके गाइस, एक सेकंड, हम कैसे मान ले कि ये दोनों सीक्रेट सोसाइटी थे और हम तुम पे क्यों यकीन करें भाई? ओके देखो, मेरे पास प्रॉपर प्रूफ्स हैं एंड एविडेंसेस हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं स्क्रीनशॉट करके, आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा बाकी सब। इन लोग ने अकेले मिल के इतना सारा अमाउंट ड्यूब किया है और ये लोग खुद मतलब टेडी भाई आप तो ओनर हो इस सर्वर के और फिर आप ये सारे रूल्स तोड़ रहे हो। टेडी भाई, भाई मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा इस बात पे। इस केज के अंदर चले जाओ आप। ये तो सेंसरी बनाती भाई। एक सेकंड, टेडी भाई तू तो सीजन 1 से इतना पीसफुल प्लेयर रहा है और तूने ही तो सीजन 2 में सीक्रेट सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाया था भाई, पर तू क्यों कर रहा है सब? सॉरी भाई, मैंने तेरा ट्रस्ट तोड़ा और मैंने तुम सभी का ट्रस्ट तोड़ा, उसके लिए मैं सॉरी, पर मैं तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सॉरी से थोड़ी कुछ होगा। आई नो हमने हम दोनों ने जो किया है वो बहुत बड़ी चीज है, बट टेडी तेरे सॉरी हो या ना हो मेरे को इसका जवाब जानना है। तू भाई तेरे साथ मिलके हम यहाँ पे स्टार्टिंग से सीक्रेट सोसाइटी कौन है वो पता लगाने में लगे और आज मेरे को क्या पता चलता है कि तू ही सीक्रेट सोसाइटी, ये क्या चल रहा है भाई? मैं कुछ भी बोलूंगा आप लोग यकीन नहीं करोगे ब्रो, अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस यस जो है भाई सेनपाई ने बता दिया। बचेगा इस सर्वर में तब तो कुछ कह पाएगा, अभी मौका है बोल। इन लोगों को बोलने का हक ही नहीं है, इन लोग ने अकेले मिलके इतना बड़ा झूठ फैलाया सर्वर में, सीक्रेट सोसाइटी के नाम पे ड्यूप किया है एंड आई डोंट थिंक सो ये लोग ऐसे बच सकते हैं। गाइस क्या तुम लोग अग्री करते हो कि इन लोग को बैन कर देना चाहिए जीरो के थ्रू? हम लोग अगर जो भी सबूत यहाँ पे अभी तक दिखाए गए हैं और ये लोग अग्री भी कर रहे हैं, ये लोग अग्री कर रहे हैं, आई थिंक सो इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए एंड वो पनिशमेंट आई थिंक सिर्फ बैन ही है सर्वर, और कुछ कर नहीं सकते इनके साथ, बैन ही लोग पूरे सीजन का डिजर्व करते हैं भाई। जीरो को बुलाया जाए भाई, इनको बैन करो भाई, बहुत ओके जीरो आ गया भाई। जीरो, मैंने सब लोग से बात कर लिया, सीक्रेट सोसाइटी के पीछे ये दोनों का हाथ था एंड सब लोग चाहते हैं कि इस सर्वर से ये लोग परमानेंटली बैन हो जाए, तो हम चाहते हैं कि आप इन लोग को इस सर्वर से अभी के अभी तुरंत हटाओ, बैन करो एंड यही सही रहेगा इस सर्वर के लिए, क्योंकि इन लोग ने बहुत सारे रूल तोड़े हैं यार, इतने कोई नहीं तोड़ता। गाइस सॉरी मैंने जो भी किया और यस मैं ये साइड डिजर्व करता हूं, मैं तैयार हूं मेरे साइड से भी सॉरी। फाइनली लास्ट हमारे दो वीडियोस एक महीने में 9 महीने पहले आए थे, तो इस चीज के लिए आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, क्योंकि मैं अपने बर्थडे से पहले 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हिट करना चाहता हूँ एंड जितने ज्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे उतनी जल्दी मेरा फेस रिवील भी होने वाला है और ये सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो। Also guys, मेरे एक Instagram अकाउंट भी है जिसको तुम डेफिनेटली फॉलो करना चाहोगे, क्योंकि उधर मैं at the end of the year एक सरप्राइज पोस्ट करने वाला हूँ। So जल्दी से जाओ, फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना तो भूलना ही मत। Anyways, let's get back to the video. लेकिन क्या सीक्रेट सोसाइटी इतनी जल्दी पकड़ी गई? अब तक आप ये वीडियो देख रहे थे बाकी मेंबर्स के पर्सपेक्टिव से, पर अब आप ये वीडियो देखोगे मेरे पर्सपेक्टिव से। चलो ओएस ब्रो, ले चलो, लेट्स गो, चलो मेरे पीछे करो, चलो चलो चलो, लेट्स गो गाइस, बेस्ट ऑफ लक गाइस, बेस्ट ऑफ लक। अरे ओएस भाई कितना दूर हो रहे हैं? यो रेक्सी, अरे भाई तू पता है तेरे को एक बात बताऊं, मैं बोलना सबसे गलत टाइम पे आता है भाई तू, अभी समय प्लीज अभी चला जा। कहां पर है? क्यों भाई? ऑल मैसेज। अरे यार भाई मेरे को बहुत अबे समझ ना, थोड़ा सा इशू है बस, मैं तेरे को बाद में बताता हूं ना भाई प्लीज। हुआ क्या है मेरे को बताया करना भाई, तू तो सब कुछ बताता था मुझे, तो दौड़ता रहता है सिर्फ। अरे अरे प्लीज थोड़ा देर बाद आना सर प्लीज यार। वेट अ सेकंड, अंडरग्राउंड है? जस्ट पैनिक मत करना, इधर ही सब कुछ मिलेगा। एक सेकंड आंसर वो है नीचे। अच्छा चल मैं इधर बैठा हूं, तू कर अपना काम, तेरे को जो करना मैं इधर देख रहा हूं। अरे यार सनपा तू जान है मेरे को, जा समझ रहा हूं काम है यार, क्यों नहीं समझता तू भाई? क्या काम है तेरा हर वक्त, तू फ्री तो है मेरे सामने खड़ा है, क्या काम है तेरे को बता? सीक्रेट सोसाइटी को क्या काम है तेरे को? हाँ भाई सोसाइटी का काम है भाई, नहीं बताना तेरे को हर चीज भाई, भाई क्या तू नहीं सुन सुन इधर आ इधर भाई, आई एम टोटली ब्लैंक ब्रो, ये क्या है? ये देखो, अरे शिट ब्रो, मैंने सोचा कि एक दो चेस्ट होंगे, यहाँ तो भाई भरा पड़ा है, उधर इतनी सारी चेस्ट, इधर तू मुझे चुन,
तू सेनपाई स्पाइडर को चुन या फिर सीक्रेट सोसाइटी को चुन, बता। अरे क्या बेतुका सवाल है भाई, अभी अभी भाई सेनपाई टाइम नहीं है सही, क्यों नहीं समझ रहा है तू? समझ तो सब रहा हूँ भाई, देख के उसकी टेंशन मत ले तू, कुछ नहीं समझता है भाई तू। बात यह है अब सारी कि अगर ये सारा सामान बाहर आया और एसएमपी मेंबर्स के हाथ लगा तो एसएमपी में बहुत बड़ी बोर हो जाएगी। अगर इतना सारा सामान अगर हम सल्कर में भर के जाने लगे ना भाई, तो हमें घंटों लग जाएंगे और इतने में अगर वो सीक्रेट सोसाइटी को पता चलाना तो दिक्कत हो जाएगी। क्या है तू बता ना, तू इतने दिनों से फ्रस्ट्रेटेड है तू, बात मेरे से सीधे मुंह नहीं करता, लड़ता रहता है, क्या सीन है बता, क्या क्या तेरी दिक्कत बता, क्या जानना है मुझे जानना है क्या है। तो एक काम करते हैं गाइस, लास्ट चीज, इसको उड़ा देते हैं, पूरे बेस को उड़ा देते हैं। एक प्रॉमिस करना पड़ेगा आपको मेरे से, प्लीज उस बेस को मत फोड़ना। ठीक है डन, हम ड्यूप। मेरा बेस पूरा सामान भरा हुआ था उसमें, उसको कोई फोड़ के गया है, पूरा फोड़ दिया है भाई उसको। कौन फोड़, मतलब क्रीपर फूटा उधर क्या, मतलब फोड़ गया भाई, बंदे फोड़ के गए उसको पूरा, मेरा सब सामान था वहीं पे, मेन बेस था सोसाइटी का, रियल बेस फोड़ दिया कोई। ये तो सामान वगैरह मेरा खत्म हो गया, कुछ नहीं है भाई यहाँ पे, तू फालतू का गलत टाइम पे हमेशा बोलता है। और भाई कैसा है, क्या हाल है तेरा? ठीक यार, सब खत्म हो गया भाई। कौन फोड़ा है बस? कौन फोड़ेगा, वो टेडी और औसान आके दो फोड़ के गए बिना कोई रीजन के, वो टेडी से तो मेरा कुछ था भी नहीं, पता नहीं क्यों। लेट्स गो, यस गाइस, सुन रक्षी क्या भाई, मुझे उस बेस पे लेके चल। एक भाई लेजिट उधर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो उधर छोड़, इधर के भी नहीं बचे भाई। एक गेट बनाने मेरे को 6 घंटे लगे थे, 6 बार टूट गया ये गेट, वो भी तोड़ दिया इतना सा, भाई लजित पूरे 6-7 सीजन डोमिनेट करने वाला एक का सामान था यहाँ पे भाई, सब फोड़ दिए क्यों पता नहीं भाई। मैंने टेडी को कुछ नहीं किया, टेडी क्यों फालतू सब कर रहा है। रेक्सी क्या भाई, चल मेरे साथ तू, आ जाओ सान भाई। वो रे बोलो ना, हेलो हेलो रेक्सी भाई, सैन भाई भाई कैसे याद किया? हेलो भाई, हेलो डेक्सी का बेस आपने चलाया है? हम क्यों चलाएंगे, हमने नहीं चलाया। वही भाई, हम क्यों करेंगे सब? हाँ, हमने नहीं चलाया, क्या फायदा है झूठ बोल के अब यहाँ पे। मैं भी जानता हूँ, ये भी जानता है, तुम भी जानते हो किसने वो फेस फोड़ा, तो मान लो अब। क्या भाई कुछ भी हम क्यों मानेंगे ब्रो, हमने जब फोड़ा ही नहीं, फोड़ा ही नहीं है तो हम क्यों मानेंगे। अच्छे से कि क्यों फोड़ा है, अब क्या करा जा सकता है, आपने बेस फोड़ा है कि नहीं? चलो ठीक है, हाँ फोड़ा, हाँ या ना? हाँ फोड़ा है तो ठीक है। क्या इसने कभी आपका बेस फोड़ा था या इसने रिसेंटली आप लोग को परेशान किया? आई डोंट थिंक सो, नहीं, बट रेक्सी ने और सीक्रेट सोसाइटी ने पूरे सर्वर को परेशान किया है। हाँ, जो ये लोग अपने लिए कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं ना, ये लोग आपके बेस पे डायरेक्टली आए, इन लोग के जो गोल्स हैं उन लोग को करने दो। किसी का बेस फोड़ना जिसके लिए इतने टाइम से मेहनत इसने करी थी अपने बेस पे, आपसे तो कुछ था ही नहीं मेरा दुश्मनी भाई। बट जब मेरे को पता चला कि रेक्सी भाई एक सीक्रेट सोसाइटी करके कुछ है उसमें है और ये सामान को ड्यूप्ड कर रहे हैं तो और सर्वर में वॉर कर रहे हैं, सबको बिना मतलब मार रहे हैं, पैट को मार रहे हैं, तो भाई मेरे को तो स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा हमेशा से मोटो रहा है कि सर्वर में हमेशा पीस रहे। और मैं, हाँ मेरा मोटो रहा है कि मेरी और रेक्सी की पावर इस सर्वर में ज्यादा से ज्यादा बने और हम लोग ज्यादा डोमिनेट करें, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कहीं पे भी जाके किसी का भी बेस बेफालतू में फोड़ें। जो भी था तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो भाई, बेस ही तो था, दोबारा बना लेना। ठीक है, बेसिस इतने वैल्यूएबल नहीं है ना, बेस वापस बन सकता या और क्या है ना, उसी तरीके से ये पूरा स्पॉन भी वापस बन सकता है अगर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया तो, मेरे ख्याल से। हां बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों बन सकता, लेकिन एक सेकंड ए वो क्या अगर कहने क्या चाह रहे हो, इसको मैं अभी फोड़ देता हूं एंड एक्ट करता हूं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं और चला जाता हूं यहां से, सारे एक एक बिल्ड यहां पे फट जाएंगे एंड मुझे एक भी बिल्ड की बिल्कुल भी ऐसे वैल्यू फील नहीं होगी। मैं भी कहूंगा यार एक बेस की तो बात है। कैसी बात कर रहे हो भाई, तुम्हें भी पता है स्पॉन के बिल्ड तोड़ना रूल्स के खिलाफ है और ये रूल्स हमने बनाए थे, जीरो बैन, तुम बैन भी हो सकते हो भाई अगर तुमने ये सब किया तो। हाँ, बैन वाली चीजें मैंने पहले भी करी है, बेडरॉक लाया था सर्वर में सबसे पहले मैं, फिर क्या हुआ, मुझे फर्क पड़ता है मेरे बैन होने से? आज तक नहीं पड़ा, ना पड़ने वाला है ब्रो, इसलिए मैं सिंपली जितने बिल्ड्स, अच्छा स्पॉन है, काफी अच्छा दिखता है, काफी सारे बिल्ड्स हैं यहाँ पे, उन सबको आग लगा देता हूँ, सब फूटेंगे एंड आई गेस वी आर चिल। भाई सेनपाई, तुम्हारे दोस्त का बेस गया है, हम बेस बना देंगे ब्रो, लेकिन स्पॉन को तोड़ने की क्या जरूरत है भाई। अरे ओसान चिल, सेनपाई तुम्हें बेस तोड़ना है तोड़ो, दबा के तोड़ो, जब बैन हो जाओगे। हां मैं भी तैयार हूं भाई, मैं तुम लोग इससे बात करते रहो, मैं आता हूं जरा देर में, तुम लोग डिस्कस करो भाई, मेरे को पता है तुम
पता नहीं कौन है वो सीक्रेट सोसाइटी, कभी सामने भी नहीं आई ब्रो। वो जो भी बंदे है कभी क्या तुमने उसे देखा है? कौन है कभी आज तक देखा है? कभी देखा है बताओ? फालतू में भाई रो, ऐसे आंख बंद करके किसी चीज पे क्यों ट्रस्ट कर रहे हो जब तक तुमने उसे देखा ही नहीं? तुमने जीरो की आवाज नहीं सुनी कभी, तुम बोलते हो आंख बंद करके ट्रस्ट। भाई यार वो ये क्या होता भाई? ये अभी ये क्या है? कुछ भी छोड़ो, किसने बिल्ड बना के छोड़ जाओ। रेक्सी भाई सुनो ध्यान से, ना हमारी तुमसे कोई दुश्मनी है ना तुम्हारे बेस से, हमारी दुश्मनी थी उस ड्यूब टाइटन से जो वहां पे था। एक सेकंड, ये क्या है भाई? क्या था वो? व्हाट क्या हो रहा है? अरे ओसान क्या हो रहा है? हां हां एक सेकंड रुको, रेक्सी ये क्या है? अरे मुझे क्या पता यार क्या है भाई, वहां सेनपाई है भाई, ये तुम्हारे सेनपाई। हेलो डैडी ओसान, तुम लोग रेडी हो क्या? तैयार हो जा ब्रो बहन होने के लिए। यस भाई मैं तो कह ही रहा हूँ भाई, मैंने बोला था बहुत क्लियरली कि मुझे फर्क नहीं पड़ता एसएसएमपी के क्या चीजें बनी है क्या है। रेक्सी का अगर बेस फोड़ा, मुझे आंसर चाहिए था जो आपने मुझे नहीं दिया कि क्यों फोड़ा है वो बेल्ट, मुझे वो आंसर सही नहीं लगा। एक एक ब्लॉक का बदला लिया जाएगा। वो ओसान तुम समझ नहीं रहे हो, वो गलत मेरे और तुम्हारे लिए था, सैनपाई के लिए नहीं, क्योंकि सैनपाई तो हमेशा ऐसे ही काम करता है। बिल्कुल भाई, उसका दोस्त उसके लिए सब कुछ है भाई। ओसान पता है क्या, हमें यहाँ पे कोई बहस ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो बंदा थोड़ी देर में बैन होने वाला है उससे बात करके फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं भाई, सही बोल रहे हो। बैन होने वाला हूँ, ये होने वाला हूँ, पता है अगर मैं सही में बैन होने वाला हूँ ना तुम्हें सारी चीजें। अरे क्या ब्रो, देख तो तू अभी बैन होने वाला, ऊपर से हमें मार के और बैन होना चाहता भाई स्पॉन पे। श्योर मिल चलेगा मेरे को अगर मैं बैन होने वाला हूँ, सब कुछ करके निकलता हूँ मैं सैन भाई ब्रो। यही था बस भाई, निकल रहा हूँ भाई, निकल रहा हूँ, फायदा ही नहीं है। ऐसे कैसे भाई, कहाँ जाओगे गाइस? क्यों ये तो आप बताओ, क्यों फोड़ा उसका बेस जो मैंने आपको मना किया था? सैन भाई मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, तुम्हें पता है मैंने क्यों फोड़ा, सिर्फ और सिर्फ वो इलीगल आइटम की वजह से, और कुछ नहीं बस। ठीक है देखा जाएगा। रेक्सी सुन, हाँ भाई तू जा अभी के लिए, मैं डील करके आता हूँ इन लोग से बाद में। ठीक है यार भाई, सुनो बैन हो जाना, सुनो। अरे रुको यार, मैं इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग को एक्टिंग का बिल्कुल भी वो नहीं हुआ कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ इतनी देर से? भनक नहीं लगी और क्या? सेकंड सैनपाई भाई, मैं तुमसे इतनी देर से पूछ रहा हूँ कि एक्टिंग कर रहे हो और कुछ बोल। मैं यार थोड़ा कैरेक्टर में घुस गया था, समझो यार, ऐसे कैसे मैं उस वक्त बताने लगूं हाँ भाई एक्टिंग करो, कहाँ चल गया भाई? क्या सच्ची भाई, तू बताया क्यों नहीं फिर भाई? एक सेकंड सैन भाई ब्रो, लेकिन मैंने जीरो को सच में मैसेज कर दिया और सच में स्पॉन तुमने उड़ा दिया भाई, वो तुम्हें बैन कर देगा। और साथ ही भाई सही नहीं किया यार तुमने, स्पॉन तोड़ दिया यार भाई, उसकी क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी स्पॉन तोड़ने की। अरे यार मैं कैसे समझा, मैं क्या बोलूंगा चार लोगों को अब, कि वो बोलेंगे भाई तुम्हारे होते हुए स्पॉन उड़ा दिया, तुम क्या कर रहे थे? टेडी भाई, सोसाइटी का नाम चाहिए कि नहीं? रूल सबके लिए होता है टेडी भाई, वो लोग रूल तोड़े ठीक है, उसके लिए मुझे एक रूल तोड़ना पड़ा ताकि मैं उनको रोक पाऊँ। सीरियस सोसाइटी का नाम चाहिए कि नहीं भाई? यार टेडी भाई, बट यार इतना स्पॉन तोड़ना यार, इतना क्या कैरेक्टर में घुस गया यार तू? सुनो रेक्सी का ट्रस्ट जीतने के लिए मुझे ये करना था, मेरे को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करा था, मैंने आप लोगों को बताया। आई एम सॉरी, मैं नहीं बता, मेरे टाइम नहीं मिला, बट टेडी भाई मुझे नाम पता चल गया है। कौन है? मुझे नाम पता चल गया सीक्रेट सोसाइटी का एग्जैक्टली। चलो कुछ तो गुड न्यूज मिली इतनी देर की भसड़ के बाद, बताओ जल्दी अब कौन है भाई? बट बात ऐसी है यार, मुझे ना समझ नहीं आ रहा है वो बंदा कैसे हो सकता है यार सबके पीछे, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था वो बंदा करेगा। कौन है? कौन क्या है? कहना क्या चाह रहे हो भाई बताओ तो। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर ये इन्फॉर्मेशन बाहर गई ना टेडी भाई नहीं जाएगी, तो मैं बैन हो सकता हूँ, वो बंदा मुझे बैन कर सकता है। कोई नहीं अभी सिम, हम तीनों के खिलाफ जल्दी बताओ ना कोई गेम में। थोड़ा एक काम करो, थोड़ा साइड में आओ, थोड़ा सा ऐसे कोई देखे ना हम लोग को, बात करते हैं। तो आप जल्दी बताओ क्या नाम है उसका। ठीक है लेकिन मेरे से प्रॉमिस करो आप दोनों कभी भी किसी और को नहीं बताओगे कि वो बंदा कौन है। नहीं बताएंगे, लिख के दो। क्यों बताएंगे? लिख के दो, सीरियसली लिख के दो, सीरियसली लिख के दो, मुझे आप दोनों का साइन चाहिए
और बस उधर मजाक में बोला लिख के दू, इसका मतलब ये थोड़ी सच में लिख के दू। टेडी भाई ये मिशन मेरे बैन तक जा सकता है, मैं बैन हो सकता हूँ सर्वर से, फिर भी मैं कर रहा हूँ। तब इंटरेस्ट नहीं है, चल ठीक है मैं कर रहा हूँ भाई। नहीं हो गया यार बैन, मैं ये ले भाई, मैंने साइन कर दिया इस पे, मैंने कर दिया साइन भाई। अब ब्रो अब बताओ जल्दी, दोनों ने साइन कर दिया, अब तो दोनों में साइन कर दिया भाई, बताओ अब क्या जरूरत है जानने की। अब क्या जरूरत है जानने की सीक्रेट सोसाइटी कौन है। मैं एक चीज बोलता हूँ, टेडी भाई और सन भाई, किसी और के खाने पे मुंह मारना और मेरे किताब पे अपना साइन मारना दोनों ही सेहत के लिए हानिकारक है। What? सिंपल है, आप इतने देर से पूछ रहे हो मेरे से कि कौन है सीक्रेट सोसाइटी, मैं जवाब दूंगा। हाँ बोलो जल्दी, सीक्रेट सोसाइटी आप दोनों क्या है? लगता है ओसान भाई सब पता चल गया। हाँ भाई कर रहे थे भाई इतनी देर से। ओसान ये सैनपाई लगता है पागल हो गया भाई, रात के 2 बजे रहे ना इसलिए इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, बातें घुमा रहा है भाई। साफ साफ बताओ ना क्या है। साफ साफ बताता हूँ, ये लो टेडी भाई आप, और ये लो ओसान भाई आप, बाकी सारी चीजें आपको खुद समझ आएगी। सैनपाई स्पाइडर की कही हुई हर बात पर तुमको एग्री करना है फॉर वन वीक। एक सेकंड क्या है भाई ये, कुछ समझ आ रहा है? सारी सीजन से बैन, इसका मतलब कि अगर आप लोग ने मेरी बात नहीं इसको जलाने का कोई वही नहीं है, जला दो इसको, कोई सीन ही नहीं, बैन तो ऐसे ही खा जाओगे। नहीं लिखा था ना तो कुछ नहीं कर सकते अभी। अरे यार प्रूफ है उसके पास। एक हफ्ते तक आपको मेरी बात माननी पड़ेगी एंड डोंट वरी, इतने भी कोई गलत काम नहीं करवाऊंगा। ठीक है यार, बस सीक्रेट सोसाइटी बनना पड़ेगा। क्यों, हम क्यों बने? रियल सीक्रेट सोसाइटी कहाँ पर है, हमें क्यों बना रहा है तू ये? जब वक्त आएगा तब लोगों को पता चल जाएगा और कौन है रियल सीक्रेट सोसाइटी, मुझे भी नहीं पता। लेकिन तो हमें क्यों चारे की तरफ फेंक रहे हो आगे, हम क्यों चारा बने भाई? ये सबके तो जवाब मैं बाद में दूंगा। देखो अभी के लिए आप लोगों को मेरी बात पे हाँ करनी पड़ेगी, तो ठीक है बताओ प्लान। सिंपल है, क्या प्लान है? तुम लोग लोगों के सामने एक फेक सीक्रेट सोसाइटी बनोगे, इसका मतलब मैं एक मीटिंग होस्ट करूंगा जिसमें हर एक बंदा आएगा ऐसे मिलकर, मैं बोलूंगा कि ये लोग हैं सीक्रेट सोसाइटी रियल वाले एंड तुम लोग को बस करना है हाँ हम थे एंड हम लोग सॉरी हैं, हम लोग ने जो किया एंड जो तुम लोग कहो वो होगा हमारे साथ, हम लोग पनिशमेंट लेने के रेडी है एंड फिर मैं कहूंगा जीरो को तुम लोग को बैन करने ठीक है इस सीजन के। ठीक है ले, एक सेकंड है ओसान, थोड़ा प्लान सुन दो। ठीक है फिर, एंड उसके बाद तुम लोग बैन हो जाओगे। फिर हम बैन हो जाएंगे तो सीक्रेट सोसाइटी कहाँ से पकड़ी जाएगी इस बीच? वो उस मिशन पे मैं हूँ, उसकी टेंशन मत लो। और तुम एक सेकंड, और तुम्हें क्या लग रहा है कि लोग तुम पे ट्रस्ट करें? चलो हम हमारे कहने पे वो ट्रस्ट कर लेंगे, बट तुम पे कौन ट्रस्ट करेगा ब्रो? तुम उनको ट्रस्ट दिलवाओगे? चलो मेरे बोलने से ट्रस्ट नहीं आएगा लेकिन तुम्हारे क्लिप्स देख के तो उनको ट्रस्ट आएगा। कौन सी क्लिप्स? कौन सी क्लिप्स? हमने तो कुछ किया ही नहीं है भाई। जो हम लोग अभी रिकॉर्ड करने वाले हैं, बहुत ज्यादा चालाकी से मैंने इन दोनों को अपने झांसे में किया था और अब ये लोग मेरी कोई भी कही हुई बात को मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इन लोग ने मेरा लिखा हुआ अग्रीमेंट साइन किया था एंड अब यहाँ से खेल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। चलो मुझे फॉलो करो गाइस, मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। ओके भाई ये बिल्ड दिख रहा है यहाँ पर। वेट, ओ भाई ये क्या है भाई साहब? ये बिल्ड मुझे मिला था एक्सप्लोर करते वक्त, बहुत दूर बनाया यार उसने, बहुत ज्यादा बढ़िया भी बनाया। एंड तुम इतने दूर क्या करने आए थे? मैं सीक्रेट सोसाइटी के बेस ढूंढ रहा था, उनका ये बेस है शायद से जितना मुझे लग रहा है क्योंकि उनके जो बैनर्स हैं उनके जो टीम के वो यहाँ पे लटके हैं, तो 110% ये उनका ही बेस है। एंड आप लोग समझ गए हो मैं क्यों लाया हूँ आप लोग को यहाँ पर? क्यों? इन शल्करस को देखना एक बार। व्हाट ओसान, ये देखो जल्दी शल्कर। व्हाट, ये क्या भाई इतने सारे? सुनो ये सामान ना मैंने ड्यूप किया है ना किसी और ने, ये सामान इन रियलिटी आप लोग ने ड्यूप किया है। छोड़ो ओसान भाई, नहीं छुपा पाएंगे इतने सारे, छोड़ो भाई। लेकिन हमने तो किया ही नहीं है। एग्जैक्टली ये आप लोग ने नहीं किया है बट लोगों के लिए ये आपने ड्यूप किया। आप लोगों को भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एक्ट करना है कि आप लोग ड्यूप कर रहे हो, सारा सामान यहाँ पे बिखेर देना और मैं आऊंगा एक्सप्लोर करते करते और एक्ट करूंगा कि मैंने आप लोगों को जस्ट अभी पकड़ लिया सीक्रेट सोसाइटी के बेस में ड्यूप करते हुए। बट मुझे लगा आप सर्वर को पीस में करना चाहते थे बट आप तो यार सर्वर को और पीसेस में कर रहे हो, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि आप लोग ही रियल सीक्रेट सोसाइटी हो। मजा आएगा जब लोग देखेंगे कि आप लोग जो सर्वर के सबसे ज्यादा प्यारे लोग, जो सर्वर को सबसे मतलब साथ रखना चाहते थे, पीस फैलाना चाहते थे, वही लोग सीरियस सोसाइटी बन के ड्यूपिंग कर रहे हैं, कितना ज्यादा मजा आएगा टेडी भाई। तो बात कुछ ऐसी है कि यस हम ही सीक्रेट सोसाइटी है। तुम और तुम्हारी एविलेंस, चलो हम तैयार है जल्दी करते हैं, मजा आएगी। चलो तो जल्दी से ये नॉट थोड़ी बिखेर दो इधर उधर। ऐसे ही मैंने बहुत चालाकी से टेडी और ओसान को सर्वर से बैन करा दिया था और ये जान के रेक्सी कुछ ज्यादा ही शौक हो गया था। क्या सर्वर से बैन हो चुके हैं वो लोग? वो लॉयल एसएमपी का पार्ट मतलब नहीं है। बैन हो गया मतलब? मतलब बैन हो गया, मतलब बैन हो गया ना इस सीजन में वो लोग खेलने वाले हैं ना इस सीजन नहीं खेलेंगे वो लोग। मतलब क्या कहना चाह रहे हो? अभी तो स्पॉन पे थे वो लोग, अभी तो वो लोग बेस उड़ाए थे मेरा। And I guess उसकी पनिशमेंट उनको मिल गई है। भाई स्पॉन के बाहर के एरिया पे तो भाई फोड़ने पे थोड़ी बैन मिलता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। क्या बोल रहा है तू, रूल्स नहीं है ऐसे कुछ भी लॉयल में।
इतना सब करने के बाद भी रेक्सी मेरे से इतना खुश नहीं हुआ था कि चीजें पहले जैसी हो जाए, इसलिए मुझे अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करना पड़ा। भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा रेक्सी, क्या क्या बोल रहा है। मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। हेलो एवरीवन, आज लॉयल एसएमपी के सारे मेंबर्स को मैंने इस मीटिंग में बुलाया है क्योंकि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करनी थी। जिन लोगों को हमने सीक्रेट सोसाइटी समझ के बैन किया था वो असल में सीक्रेट सोसाइटी नहीं थे। एक सेकंड, तो टैडी सीक्रेट सोसाइटी का पार्ट था ही नहीं कभी से? I don't know exactly, but वो लोग रियल सीक्रेट सोसाइटी नहीं है, मुझे इतना पता है। अब देखो, मुझे जो मिला था मैंने आप लोगों को दिखा दिया, लेकिन अगर वो चाहते तो लोग कह सकते थे कि हम मैं सीक्रेट सोसाइटी नहीं और वो बैन अवॉइड कर सकते, लेकिन देयर वाज अ रीजन कि उन्होंने कहा हाँ वही सीक्रेट सोसाइटी एंड बैन हो गए। मे बी ये कोई प्लान था उनका या क्या था, आई हैव नो क्लू, बट वो लोग सीक्रेट सोसाइटी के साथ एक टीम में तो थे, इतना तो मुझे आइडिया है। बहुत टाइम से मैं सीक्रेट सोसाइटी को ढूंढने के मिशन पे लगा हूं, पर फिर भी ये केस सॉल्व मैं नहीं कर पाया। बट जो बंदा सीक्रेट सोसाइटी के नाम के पीछे है और जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, मैं उसके साथ कांटेक्ट में आ गया हूं। तू सीक्रेट सोसाइटी के साथ इतने दिनों से था, सीक्रेट सोसाइटी के लिए तू बहुत ज्यादा लॉयल टीममेट है, एंड सीक्रेट सोसाइटी की वजह से हम दोनों के बीच में चीजें खराब भी हुई है, तो ये तू मानेगा। कौन है भाई फिर वो? एक मिनट, कौन है भाई? अब सही यही रहेगा अगर सीक्रेट सोसाइटी खुद आके हम सबको एक बार में बता दे कि वो कौन है। गाइस, इंट्रोड्यूसिंग सीक्रेट सोसाइटी। मेरा नाम है सीक्रेट सोसाइटी। मैं जानता हूँ सब लोग ये जानना चाहते हो कि मैं एक्चुअली में हूँ कौन। मैं इतना बता लेता हूँ कि मैं हूँ एक एसएमपी मेंबर ही। बहुत टाइम से सीक्रेट सोसाइटी इस एसएमपी को ऑलमोस्ट रूल कर रही है। कभी भी मैं सामने नहीं आया था क्योंकि मेरी टीम में एचसी सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अब टाइम आ गया है कि मैं ये दिखाऊँ कि इस मास्क के पीछे एक्चुअली में है कौन। काफी टाइम से लोग मेरी आइडेंटिटी लीक करने के पीछे पड़े हैं, काफी लोग इस मिशन पे थे ढूंढने के लिए कि सीक्रेट सोसाइटी आखिर में है कौन। रेक्सी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बंदा मैंने तेरे से एक चीज छुपाई थी इस मिशन में इतने दिनों से ढूंढ रहा है कि मैं कौन हूँ। एक्चुअली मैं जो बंदा मेरे पीछे पड़ा था। बोलना भाई, क्या हुआ? और जो बंदा मुझे स्टेज पे स्वप्न आया है, मैं बताना चाहता हूँ कि सीक्रेट सोसाइटी असली अपने कोई और नहीं, वो बंदा मैं ही। रेक्सी, मैं सीक्रेट सोसाइटी हूँ। क्या? एक सेकंड, चल क्या रहा है? चल क्या रहा है? चल चल ये ठंडा स्टॉर्म्स वगैरह ये सब क्या हो रहा है भाई? ए सेंपाई है, बोल भाई क्या है ये? लॉयल एसएमपी के सारे मेंबर्स को सेंपाई स्पाइडर या फिर सीक्रेट सोसाइटी की तरफ से नमस्कार। आई मीन भाई मेरे को नहीं हो रहा भाई, तेरे को क्या बोल रहा है यार तू? रेक्सी, अबे ऐसा थोड़ी हो सकता, अबे हो ही नहीं सकता ये सब भाई। मैं बोल रहा हूँ मैं सीक्रेट सोसाइटी हूँ, मेरे पास एक्सेस है सर्वर का, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। रेक्सी ने टोटो को मारा तेरे कारण, इसका मतलब सीक्रेट सोसाइटी कुछ नहीं था। सिड भाई, टोटो एक गधा था, तुम लोग की वजह से हमारे प्लेयर्स मरे, उसका क्या? उसका क्या भाई, लोग तो जिंदा आ जाएंगे, वो कहाँ से वापस आएगा? पूरी एसएमपी अलग अलग हो गई, टुकड़ों में बट गई सिर्फ एक सीक्रेट सोसाइटी के कारण। भाई जीरो को बुलाओ यार, बैन करो भाई सैंपाई को। सैंपाई को बैन करो, जीरो को बुलाओ। जीरो भाई देख, यही सीक्रेट सोसाइटी निकला भाई, बैन करे यार इसको। भाई जीरो देख क्या रहे हो, करो ना भाई बैन, क्या शक्ल देख रहे हम सबकी? तेरे पे मैं ट्रस्ट करता हूँ एंड मुझे बुरा लग रहा है देख कि तू सीक्रेट सोसाइटी से इतना कनेक्टेड है, बट तू सेंपाई स्पाइडर से नहीं है। बट एटलीस्ट अब तू जान गया कि मैं सीक्रेट सोसाइटी, तो शायद हम लोग वापस पहले जैसे बन पाए, क्योंकि तू सीक्रेट सोसाइटी से लॉयल है, इसका मतलब तू मेरे से लॉयल है। आई होप हम लोग पहले जैसे हो जाए। जीरो, सिद्धार्थ भाई बहुत बोल रहे, इतनी देर से देख रहा हूँ मैं, सबसे पहले तो इनको हटाओ। तूने जो हरकत की है उसके लिए मैं रिलैक्स गाइस, रिलैक्स, बैन नहीं हुए हैं, किक हुए हैं, लेकिन बैन भी हो सकते हैं भाई। व्हाट इज ब्रो, क्या चल रहा है? जीरो दिमाग घूम गया क्या? आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ भाई, आराम से बैठ जाओ, क्योंकि बैठ जाओ। मेरी बात मानोगे तो सब लोग सेफ रहेंगे। मैं यहाँ पे बहुत कामली बात करने आया हूँ, इवन दो हमारे पास ऑपरेटर एंड जीरो कम्प्लीटली मेरे साथ है इसमें, तो ये तो सोचना भी मत और एक्सपेक्ट भी मत करना कि जीरो तुम्हारी कोई भी बात सुनेगा और मानेगा। ओके, एक्सप्लेन कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सीक्रेट सोसाइटी एक एक्सीडेंट से बना था, हमारा मोटिव इसके साथ कुछ बड़ा करना नहीं था, लेकिन अब ये एक बहुत बड़ी चीज बन गया है, इस हद तक कि मेरे पास अब ऑपरेटर भी आ गया है और जीरो ने इसमें मेरा बहुत साथ दिया है। ये सब हमको पता भी नहीं था, तुम सब लोग के सामने ही हो रहा था और किसी को थोड़ा भी आइडिया भी नहीं लगा इसके बारे में। जिस बंदे को तुमने केस सॉल्व करने लगाया था उसी ने ये पूरा केस बनाया था। नहीं, एक काम करते हैं ना भाई, तुम दोनों ही खेल रहे हो, तुम दोनों ही वो लीडर यहाँ के, तुम दोनों के पास ही ऑपरेटर है, तो हम ये हम सब यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं?
सही बात है, निकल गया निकलो भाई। इतनी जल्दी क्या है जाने की, पूरी बात तो सुन के जाओ। कितनी बार बताऊं कि ऑपरेटर का एक्सेस हमारे हाथों में है और तुम सबकी जिंदगी भी, तो आराम से अपने सीट्स पे बैठ जाओ क्योंकि अब मजा आने वाला है। सीक्रेट सोसाइटी में सिर्फ दो लोग थे, यू प्लेस और मेरा दोस्त रेक्सी। उन दोनों के अगेंस्ट पूरा सर्वर पड़ा है। ये थोड़ा सा अनफेयर नहीं हो गया? लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं जो आ गया हूं। ये सब सनपाय तू सही नहीं कर रहा है, हमने तुझ पे ट्रस्ट किया था। ओएस भाई रिलैक्स, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। चलो कोई नहीं, बताओ ओएस भाई, सनपाय को सबसे ज्यादा किससे नफरत है? ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती है सनपाय भाई। दोगले लोगों से जो एक टीम से बात दूसरी तक पहुंचाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनपाई दोगले लोगों के साथ क्या करता है? सेनपाई भाई मुझे नहीं पता। बैन करता हूं उन्हें। चलो लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सबसे बड़ा दोगला कौन है? ओएस सबसे बड़ा दोगला कौन? जीरो, ओएस को आंसर बताना। ब्रो नाइस नाइस, क्या कर रहे हैं तो ये सब? जीरो। ओके बैठो बैठो, सब लोग अपनी जगह पे बैठो गाइस, मैंने अभी उठने नहीं बोला था। क्यों कर रहा है ये सारी चीजें? क्योंकि यार ये मेरा दोस्त है यार, अभी जो मैं बोलूंगा वो ये करेगा। ओके दोस्त से, दोस्त कैसे? चलो अब मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा, मेरे और मेरे दोस्त रेक्सी के बीच कोई भी नहीं आएगा। एनीवेज थैंक यू सो मच गाइस, तुम लोग इतने शांति से इधर बैठे हो और मेरी बातें सुने, अब सब लोग जा सकते हैं। बाय। अरे रुको रुको गाइस, मेरी बात सुनो बिफोर यू गाइस लीव। भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है सर्वर में, कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। क्या हो गया? क्या हो गया भाई? अब क्या हो गया? अब तक तो कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन अब चलाएंगे हम लोग। चले स्पॉन पे। मैं तुम लोग को कुछ लोगों से मिलाना भूल गया था। तो मैं बस एक ही चीज कह सकता हूँ, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। अब क्या रह गया भाई, अब क्या रह गया? ये कौन है? युग? सीक्रेट सोसाइटी के दो वर्दी टीममेट्स हैं ये भाइयों, ये सारे लोग तुम्हारे हैं, जो करना है करो इनके साथ। ये क्या भाई, ये क्या हो रहा है? रुको, वेट गाइस, पोषण करो, पोषण करो। कोई मारो, जो भी दिखे मारो, मैं तो कह रहा हूँ बस खत्म बात। अरे क्रिश्चियन, एक सीक्रेट से मारो, बोल्ट को मेरे को मत मारो ना। बल्कि निकलो यार, दोबारा मिल रखा है भाई, क्या कर रहा हूँ? रेक्सी मेरे पीछे क्यों पड़ रखा है? नाइस वन रेक्सी भाई। स्पॉन, सब ठीक है, सब ठीक था भाई हमारे बीच में, मैंने क्या करा? द प्रॉब्लम वाज कि तुम लोग सीक्रेट सोसाइटी के अगेंस्ट थे। गुड बाय। अब सबके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि सर्वर का एडमिन मेरी बात क्यों मान रहा था। ये जानने के लिए हमको एक महीने पीछे जाना होगा, जब रेक्सी के स्ट्रीम पर हम थोड़े इलीगल काम कर रहे थे। वन, पहली बार इतिहास में ये होने जा रहा है। टू, इसे एसएमपी के स्पॉन पे। वन, क्या लग रहा है? स्ट्रीम के बाद भी सब कुछ बढ़िया जा रहा था, लेकिन फिर मुझे जीरो दिखा रेक्सी से बात करते हुए। वो क्या हो रहा है वहाँ रेक्सी और जीरो? चुपके देखता हूँ फिर जाऊंगा वहाँ पे क्या हो रहा है, पहले पता करता हूँ क्या चल रहा है। एंगल ही नहीं आ रहा है यार, यार उसको वो कुछ कह रहा है क्या? अभी स्ट्रीम पे किया हम लोग ने इलीगल काम बहुत सारे, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा हूँ। जाना चाहिए मुझे शायद से उधर, रुको जा के देखता हूँ। कहाँ गए? यो व्हाट, कहाँ गए भाई? वो पूरा कहाँ है मेरा रॉकेट, कहाँ है? उसके पीछे गया, उसको कह रहा है कहीं जाने बोल रहा है। बुरे सच बता रहा, उसने कुछ किया ना रेक्सी के साथ, साले को इसी को बैन कर दूंगा इसके सर्वर से। अबे ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, बेडरॉक? डोंट टेल मी वो रेक्सी को अंदर डालने वाला है भाई, लक्षण तो ऐसे ही दिख रहे हैं भाई। नहीं यार उसको अंदर डालने वाला है, नहीं, रुको यार। वीसी भाई ऐसे थोड़ी भाई। हेलो रेक्सी, क्या हो रहा है ये?
पता नहीं यार वो या, स्ट्रीम पे लगाया था ना मैंने ये क्या बोलते हैं वो एंड पोर्टल, ये मेरे को उसके लिए पनिशमेंट बोल रहा है। एक तो पहले एंड पोर्टल वगैरह इसने खुद ही दिया, अब व्यूअर्स के लिए यूज कर लिया उसको, तो इसको दिक्कत हो रहा है, पता नहीं चल रहा मेरे को भाई। जीरो मेरी बात समझ, पहले तू मेरे को इसका जवाब दे, इसको बैन करने से जो भी कर रहा तू, पहले तू खुद सामान बांटता है ठीक है, बेडरॉक भी तूने मुझे दिया था, फिर तूने मेरे से पनिशमेंट भी दी, मतलब क्या कर रहा है तू, लोगों को सामान देता है फिर सामान उस सामान को यूज करने पे पनिशमेंट देता है, इससे बढ़िया सामान ही ना देता। भाई सुन मेरी बात सुन जीरो, ये सब कर लेंगे, रेक्सी को मैनेजमेंट बाद में सोच के अच्छे से दे देना, मेरे को जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस सर्वर के रिलेटेड है, मैं इसलिए तेरे को बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, इसको निकाल यहाँ से, हम लोग चलते हैं बात करते हैं, रेक्सी के पनिशमेंट बाद में देख लेंगे ठीक है, इंपॉर्टेंट है समझ, मैं सर्वर के भले के लिए कर रहा हूँ, रेक्सी अभी के लिए तू जा यहाँ से, चल मिलते हैं रेक्सी बाद में मिलते हैं ठीक है। ठीक है ठीक है। तो जीरो तुम जान रहे होगे कि सर्वे में बहुत सारी इलीगल काम चल रहे हैं एंड मतलब लोग जस्ट कुछ भी करते हैं जो वो चाहते हैं एंड बेसिकली उनका तुम कुछ बिगाड़ भी नहीं पाते हो, तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे, कुछ टाइम का बैन कर दोगे उनको है ना, एंड आफ्टर अ वाइल 10 दिन 15 दिन जितना भी बैन उनको लगा है वो वापस आके फिर वही करेंगे, एंड आफ्टर ऑल पागल कौन बना तुम। देखो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि तुम वीक हो या कुछ हो, बस तुम पे ऑपरेटर है, बट मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक है कि तुम यार बहुत ज्यादा पावरफुल हो बट तुम अपनी पावर को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात, अगर तुम अपनी पावर को सही तरीके से यूज करोगे तो फिर इस सर्वर तुम्हारी मुट्ठी में होगा जीरो, तुम इस सर्वर को डोमिनेट कर पाओगे। नाउ आई नो कि तुम इस सर्वर के एक प्लेयर नहीं हो, एक एडमिन हो, बट यार एडमिन की भी एक रिस्पेक्ट होती है, तुम समझ रहे हो, जीरो नाम रखा है तो क्या सही में जीरो बनना है तुम्हें, क्योंकि लोगों की आंखों में तो तुम एक जीरो ही हो, सच बता रहा हूँ मैं, लोग डिस्कॉर्ड वीसीज में तुम्हारे बारे में शिट टॉक करते हैं, कॉज दे नो कि तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, लेकिन कभी ऐसा मेरे बारे में क्यों नहीं हुआ, मैं तो एक सिर्फ प्लेयर हूँ, मैंने कभी किसी को ऑप से यूज करके किसी को बैन नहीं किया या किसी को ऐसे कुछ कहा नहीं कि वो मेरे से डरे, बट फिर भी लोग मेरे बारे में ऐसे क्यों बात करते हैं, तुम्हारे बारे में क्यों नहीं। जीरो देखो मैं तुमसे बस एक चीज चाहता हूँ, तुम और मैं मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं इस सर्वर में, तुम्हारी पावर्स और मेरी पावर्स अगर मिल जाए तो फिर लॉयलिज्म भी बिल्कुल नहीं बचेगा, एंड तुम भी जानते हो अब टाइम आ गया कि तुम अपनी ट्रू पावर्स एक्चुअली में दिखाओ एंड लोगों के अंदर एक खौफ डालो अपने नाम का। मैंने आज तक बहुत कोशिश कर ली सेनपाई। एक सेकंड जीरो, मैं थक गया हूं, मैंने बहुत कोशिश की कि किसी भी हाल में ये एसएमपी ना टूटे, मैंने कोशिश की कि ये सब साथ रहे, आज तक मैं इसीलिए शांत रहा, मगर शायद तुम सही हो, शायद मुझे वाकई स्टेप अप करके कुछ ऐसा करना चाहिए था कि इन्हें याद रहता कि जीरो देख रहा है, इनके मन में वो डर होना जरूरी था, एंड अब वो डर हम लोग मिलकर डालेंगे इनके मन में। आई ट्रस्ट यू सेनपाई। मैं भी तुम्हें ट्रस्ट कर रहा हूँ, तुम इस एसएमपी के पहले ऐसे प्लेयर हो जिसने मेरी आवाज सुनी है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपनी आवाज मेरे सामने रिवील किए, एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू कि मैं तुमको कुछ और बना दूंगा, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा वर्जन ऑफ जीरो जो अब तक किसी ने देखा नहीं था, लेकिन अब वो देखेंगे। दूसरे लोग प्लेयर्स के साथ टीम अप करते हैं, बट व्हाट इफ मैं एक एडमिन के साथ ही टीम अप कर लूं, जीरो हम दोनों कुछ और बना देंगे लॉयल एसएमपी को। आज से मेरी सारी पावर्स, मेरे सारे एक्सेस जिस इंसान के लिए काम करेंगे वो तुम हो। नाइस नाइस परफेक्ट, एंड ऐसे मैंने जीरो को मेरे साइड कर लिया था, लेकिन पूरे सर्वर को परेशान करने के बाद वो लोग शांत नहीं बैठने वाले थे, और उन लोगों ने अपना मौका देखते ही चौका मारने की कोशिश की। वही रेक्सिया रेक्सिया, वो दिख रहा इधर ही नीचे ही है। गाइस रेडी है, क्या करें क्या करें, हाँ नीचे जाते हैं थोड़े। 1 2 3 गो, लेट्स गो गाइस, इसको पकड़ लिया है। कहाँ जाओगे भाई, खत्म हो गया है रेक्सी भाई आपका, अभी क्या कर रहे थे कल आप? अरे यहाँ देख रहे हो गाइस, कल कल का भूल गया क्या, कल तुम हम लोग के साथ क्या कल का भाई, क्या कल का क्या चल रहा था ना, क्या मैं कहा, अरे मेरे ये सब क्या तरीका है भाई, सराउंड कर रहे हो क्या है ये, क्या है मतलब, अभी मौत नहीं दिख रही तेरी तुझे, मतलब भाई देखो रेक्सी भाई तुम लोग कितने, 8 लोग हो तुम लोग, मैं अकेला भाई, कोई चांस नहीं है आपका अभी, ठीक है चल चल रुको रुको सुन सुन भाई, मैंने क्या किया, एक तो कोबी भाई आप यहाँ क्या करो, मैं तो कितना हेल्प किया आपका भाई, क्या कर रहे हो आप भाई, सिर्फ मेरी बात नहीं है, तुम लोगों का ये सोसाइटी पूरे वायरस के जैसा पूरा सर्वर में फैल चुका है भाई, क्रिएटिव चलता है क्या, ऑपरेटर चलता है कुछ भी, इलीगल भाई पूरा तबाह कर दिया पीस को एसएमपी का। ठीक है गाइस वेल डन, घेर लिया तुमने, अब मुझे क्या करना है भाई, अब तुझे कुछ नहीं करना है, जो भी करेंगे हम लोग करेंगे, और भूल गया क्या कल क्या हुआ, सेनपाई ने ऑपरेटर की पावर्स यूज करके हम सबको मारा, अरे वो तो सही है, हम कैसे तो करके बच गए, और आज हम यहाँ पे हैं, और आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सेनपाई को तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उसके पास ऑपरेटर है, लेकिन तू उसके सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है, तो तू नहीं बचेगा अभी। देख रेक्सी भाई, हम यहाँ पे पीवीपी करने नहीं आया, अभी भी हम सारा मैटर शांति से निपटा सकते हैं, और वो शांति कैसे करनी है मैं बताता हूँ, ये रहा बेड, यहाँ पे स्पॉन पॉइंट सेट कर ले तू, हम लोग तुझे मार के 1-8 पे लेके आएंगे, और सेनपाई अपने आप आगे आएगा। मुंह क्या देख रहे हो भाई, स्पॉन लगा देना।
भाई जल्दी भाई, हेलो। बोलती बंद हो गई क्या रेक्सी? किसकी बोलती बंद कर रहे हो? व्हाट व्हाट सेंपाई भाई आ गया यहीं पे देखो भाई, वो हो रहा आ रहा है किधर है? ये देखो पीछे बैरियर लगा हुआ है। बेड पे स्पॉन लगवा के बैन करने वाले थे रेक्सी को। आई लव द आईडिया, काफी बढ़िया प्लान है। चलो तुम लोग ने अपनी चांस चल ली, अब मेरी बारी है। सिद्धार्थ हम ये यहाँ पर कैसे आ गए? मेरा इन्वेंटर भी क्लियर है ब्रो, नहीं रहा कुछ। क्या चाहिए भाई सेंपाई? अब क्या करे गाइस? भाई क्या कर दिया? अब तो हो गया गाइस। क्या कर रहे हो सेंपाई तुम? जिस तरीके से तुम लोग मेरे टीममेट का स्पॉन लगवाना चाहते थे, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपना स्पॉन लगाओ ताकि तुम्हारे टीममेट बचे। भाई हम नहीं लगा रहे स्पॉन वॉन। मत लगाना गाइस, कुछ भी नहीं हो रहा, हम सेफ है इधर पे भाई, मजा आ रहा है भाई। तो इससे ज्यादा क्या ही कर लेंगे भाई, हार्ट स्वार्ट कम कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है मत लगाओ। तुम लोग के ऊपर जो बेडरॉक की वॉल है, हर एक सेकंड में वो वॉल नीचे आती जाएगी जैसे जस्ट अभी आई। ब्रो मतलब भाई हम सफोकेट होके मर जाएंगे। जैसे वो वॉल आपके पास आएगी आप सफोकेट होगे और बैन हो जाओगे। बट चॉइस आप लोग की है, जो लोग नीचे हैं, आप लोग अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो या फिर बैन कराना चाहते हो? अबे सेनपाई तुझे क्या चाहिए? मैंने तो बोला है तुम लोग अपना स्पॉन लगा दो और मैं उन लोग को रिलीज कर दूंगा। भाई ये बोल ही रहा है कुछ नहीं आ रहा नीचे, फिर भी तू उनको मार देगा और हमको भी मार देगा। अरे हाँ हम नहीं माने भाई, इनकी बात मत मानो भाई। ठीक है भाई, ठीक है मत मानो। फोर ओ शिट नो, अब एक लेयर नीचे आ गया बेडरॉक। नीचे आ गया नहीं, कुछ नीचे नहीं आया अभी। मैंने अपनी आंखों से देखा, अभी नीचे आया है, सच्चे आएगा। लेकिन बात ये ना, ये एनीवेज हमको मारेगा ही। थ्री नहीं सुनो भाई, कर लो प्लीज, स्पॉन पॉइंट सेट कर लो प्लीज। कर दो भाई अपने, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, नहीं होल्ड कर भाई, कर आखिरी वाला गिनने वाला हूँ। नहीं जल्दी, मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे लोग अपने इनको मरते हुए थोड़ी ना देखेंगे हम। ठीक है कर लेते हैं, कर देता हूं मैंने, कर लिया। चल कर दो भाई, कर दिया सबका लगा, कर दिया हम सभी। टेन भाई अब सबके सब को छोड़ दो। ठीक है ठीक है, वेरी वेल डन भाई, कोई भरोसा नहीं, अब क्या करें। इन लोगों को फ्री कर ही देता हूं। अबे भाई भाई उसके बाद भी, अबे ये बेड क्यों नहीं टूट रहे, लगता है एडवेंचर में डाल दिया इसने हमको। चलो अब ये लोग तो बैन हो गए, लेकिन मैं तुम लोग को अभी एक और मौका देता हूँ ताकि तुम लोग बैन ना हो। अब क्या चाहते हैं, अब हम लोग क्या करें देर में? चलो एक छोटा सा गेम खेलते हैं, ठीक है? अगर उस गेम में तुम लोग जीते तो मैं और सीक्रेट सोसाइटी दोनों इस सर्वर से बैन हो जाएंगे, पर अगर मैं जीता तो फिर तुम सारे के सारे लोग बैन हो जाओगे। मतलब एक और ट्रिकी सिचुएशन में डालने वाला तू। सही बोल रहे हो, चॉइस तुम्हारी है। ऑलरेडी सारे मेंबर्स को तो बैन कर दिया भाई, क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हैं चीजों को? करना है तो सीधा बैन कर देना। पीएसडी भाई कर दी ना छोटी बात, उसमें मजा कहाँ है? मजा तो एक फेयर पीवी मैच जीतने में। मैं तुम सब लोग को एक चैलेंज देता हूँ, अगर तुम चाह रहे हो मुझे एक 1v4 पीवी राउंड में हरा पाए तो मैं लॉयल एसएमपी से हमेशा के लिए बैन हो जाऊंगा, और अगर मैं जीता तो तुम लोग बैन हो गए। मतलब तू विन-विन सिचुएशन खेलना चाहता है जिसमें तू ही जीते? नहीं मैं ऑपरेटर का यूज बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, जितना भी सामान मेरी इन्वेंटरी में इस वक्त है मैं वही यूज करने वाला हूँ। अब आप लोग बताओ आप लोग को ये करना है या फिर नहीं? भाई क्या कर रहा है यार तू ये सब? मेरा ये सब गोल कभी नहीं था भाई जो तू कर रहा है। सही है ये, क्या कर रहा है भाई तू ये सब? जो मुझे सही लगता है। देखो पीएसजी भाई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम लोग फाइट ना भी करें वो एनीवेज स्लैश बैन करने वाला है। ठीक है चलो फिर रेडी हो? बता देते उसे। देख भाई हमेशा से मेरा यही गोल था कि भाई हम दोनों टिल द एंड तक रहे। सर्वर अभी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, मेरे पास ऑपरेटर का एक्सेस है एंड हम दोनों अभी भी साथ हैं, इस बात की खुशी रख। बट इन्हें देखना भाई, आर यू श्योर हम लोग सही कर रहे हैं? हम लोग एक चांस दे सकते हैं, ट्राई दे सकते हैं, अगर हम लोग जीतते तो लिटरली हम लोग अपने सारे फ्रेंड्स को अनबैन कर सकते। चांस लेना चाहिए मुझे लग रहा है। आर यू श्योर सेनपाई के चार लोग से तो अकेले जीत पाएगा, मेरे बिना या अकेले?
उन सब पे सब होगा भाई, तेरे पे जो है तू बस उतना ही है अभी, विदाउट ऑपरेटर विदाउट एनीथिंग। ये तो मैं फाइट के बाद ही पता चलेगा। फिर तो मैं एक ही चीज कह सकता हूँ भाई, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू ब्रो। देख हमने सोच लिया है सेंपाई, और हम लोग रेडी है तेरे चैलेंज के लिए। ठीक है, वेरी नाइस, शुरू करते हैं फिर। अभी नीचे आ जाओ, इस बेस में एक पीपी अरीना काइंड ऑफ जगह भी है यहाँ पर। आ जाओ सब लोग, रेक्सी तो यहाँ से बैठ के एंजॉय कर भाई। ठीक है रेक्सी, गिनना चालू कर। 3, 2, 1 शुरू करो लड़ाई। एक दो हिट मार, नाइस, गिबिट बहुत लगी, गिबिट बहुत लगी, गिबिट को मार, गिबिट को मार, नाइस नाइस नाइस। नो नो, गिबिट भी चला गया। एसडी भाई आपके ऊपर ही है अब, सबका बदला लेना है, सबको सबको बचाना है तुम्हें। तो भाई भाई का रोल टेस्ट था डीएक्स का। अरे भाई मेरा तो आर्मर गया इसकी। ओ नो, बढ़िया सेनपाई, सेनपाई कर दिया भाई। इसको ये फाइट जीतने के बाद हम लोग ने बाकी लोगों को एज प्रोमिस्ड मार मार के बैन कर दिया था, और फिर हमारे बाकी के टीममेट्स भी आ गए थे। अरे गाइस ये चल क्या रहा है, अचानक से बैन मैसेज आ रहे थे सारे लोग, क्या मर रहे हैं, हो क्या रहा है? अरे भाई, अरे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस इतना समझ के रखो कि हम लोग जीत चुके हैं। जितने लोग थे सर में, हमारे अलावा बाकी सारे बैन हो चुके हैं, सब लोग, सारे लोग एंड हमारे अलावा और कोई भी नहीं बचा। सीक्रेट सोसाइटी इज ऑन टॉप, हमेशा थी, हमेशा रहेगी, एंड एक भी मेंबर नहीं है सर्वर में जो अभी अगेंस्ट है सीक्रेट सोसाइटी के। हम सिर्फ 4 हैं सर्वर में लॉयल एसएमपी में अनबैंड, बाकी सबको मैंने बैन कर दिया। या तुमने सीरियसली सबको बैन कर दिया? हैं, एक सेकंड, तुम बोलते हो? हाँ तो हाँ बोलता तो है, मतलब बहुत टाइम से बोल रहा, मेरे सामने बोलता था, पता नहीं गलती से म्यूट कर लिया या क्या, पता नहीं, छोड़ो गाइस। एनीवेज अभी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए मेरे ख्याल से हम लोगों को कुछ करना चाहिए, बट उससे पहले मुझे एक्चुअली जीरो से कुछ अकेले में बात करनी है रिगार्डिंग कुछ सर्वर का ही। तो एक काम करो, आप लोग स्पॉन की तरफ बढ़ो, मैं आपको स्पॉन पे मिलता हूँ थोड़ी देर में, 10 मिनट बाद चलेगा? चलेगा 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 चलेगा, ठीक है, ओके ठीक है। फिर मैं जीरो को ले गया कुछ इम्पोर्टेंट बात करने, जिस जिस बंदे ने रेक्सी को परेशान किया था, जिस जिस बंदे ने सीक्रेट सोसाइटी के नाम पर एक काला धब्बा लगाने की कोशिश की थी, वही लोग सर्वर से गायब हो चुके हैं। अब कोई कहने वाला नहीं है कि सीक्रेट सोसाइटी एक गलत टीम है या फिर एक बुरी टीम है। याद है जीरो, तुमने उस दिन उसको बैन करने की कोशिश की थी? उस दिन मैं सोच रहा था कि भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड को बैन कर रहे थे एंड मैं देख रहा था, बट वो तो बात अच्छी है कि मैं सही टाइम पे आ गया था वहां पे एंड रेक्सी को मैंने बचा लिया था। लेकिन अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा जीरो? वेट व्हाट सेंपाई, यू थिंक इट्स अ जोक? मैं क्रिएटिव कर लूंगा यार। कर लो क्रिएटिव, तुम्हारे पास पूरा टाइम है। क्या कर रहा है ये, हो क्यों नहीं रहा है? तूने ऑप ले लिया राइट? ऑप तो यार सिर्फ एक पे हो सकता है। कम ऑन सेंपाई, मैं कंसोल एक्सेस रखता हूं अपने पास, मैं कंसोल से ले लूंगा, क्यों मजाक कर रहा है? ले लो जाओ कंसोल एक्सेस, अगर तुम्हारे पास अभी भी है तो ले लो। तुम्हें लगता है मैं अनप्लान्ड आया हूं यहां पे? व्हाट जीरो, रिलैक्स भाई, मेरी बात सुनो, ये लॉयल एसएमपी है और इसमें सिर्फ एक एडमिन हो सकता है, अब तक तू था बट अब मैं बन चुका हूँ। नॉट बिकॉज इस एसएमपी के हर एक मेंबर को मैंने बैन किया, बट ऑल्सो बिकॉज मेरे पास एक्चुअली ट्रू पावर है, तेरी तरह जीरो नहीं हूँ मैं। देख भाई, तूने रेक्सी को जिस दिन बैन करने की कोशिश करी थी और पनिशमेंट देने की कोशिश करी थी, उस दिन से मैंने सोच लिया था कि मैं तुझे ऐसे तरीके से बैन करूंगा जो तू कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। बट एक एडमिन को बैन करना साउंड्स वेरी फनी, यू नो, साउंड्स इम्पॉसिबल, बट आज वो मुझे पॉसिबल लग रहा है जीरो। जल्दी खत्म करते हैं ये सब क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है। 3, 2, 1 स्टार्ट। Come on, senpai, is this some joke? Stop it is not a joke. Rank नहीं है ये एक। ये और revenge क्या कर रहा है तू ये? Come on, senpai, it's not funny anymore. I know it's not funny. तू रोक सकता तो रोक दे इस joke को फिर। You can't stop it. Why are you doing this to me? मैंने कुछ किया भी नहीं है भाई तेरा। Exactly, तूने मेरा कुछ नहीं किया, पर तूने रेक्सी को बहुत कुछ किया था ना।
अपने पावर्स का यूज बहुत टाइम से कर रहा था तू, लोगों को बैन करने में, लोगों को परेशान करने में। Senpai, you'll pay for this if you are seriously doing this to me. This won't be good. बता क्या कह रहा था तू रेक्सी को उस दिन? ओ हाँ, तू तो लोगों के सामने बोलता ही नहीं है। Never mind. I trusted you, Senpai. And I trusted myself. Is this how you'll repay me? That's how I repay everyone, bro. Because in the end, सिर्फ एक बंदा बच सकता है जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होगी। Then end this quick. आया बड़ा रेक्सी को बैन करने वाला। Senpai आगे मारा उन लोगों को भाई। यो! अरे अरे! कुछ ज़्यादा अच्छी एंट्री थी। गाइस आ गया मैं। भाई मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि हमारी टीम टिल द एंड डोमिनेट की एंड सीक्रेट सोसाइटी एक्चुअली कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ बन गई माइनक्राफ्ट की पूरी हिस्ट्री में। यस। वैसे Senpai भाई, मैंने और रेक्सी ने मिलकर कुछ सोचा है। बताओ ना। Senpai, क्या सोचा? देखो एक्चुअली हम लोग जीत चुके हैं, हमने सबको डोमिनेट कर दिया है। अभी हम सिर्फ तीन ही बचे पूरे सर्वर के अंदर एक्सेप्ट जीरो, और लाइक अभी कुछ करने के लिए बचा नहीं है। सब कुछ हो चुका है, खत्म हो चुका है, हर जगह डिस्ट्रक्शन हो चुका है, सारे लोग बैन हो चुके हैं। हम अपने टॉप लाइक जितना मैक्सिमम हम अचीव कर सकते थे उतना कर लिया है हमने, तो अब फायदा क्या है? आगे कुछ करने को है नहीं SMP में। क्यों ना अब हम भी हैप्पी एंडिंग करके इसको छोड़ देते हैं। जरूर भाई, बताओ कैसे हैप्पी एंडिंग करनी। मैं तो ऑलरेडी बहुत हैप्पी हूँ, क्या करना? ऐसा कर सकते हैं, सब वन हर्ट पे हो जाते हैं एंड वॉइड में गिर के हो जाते हैं बैन। लेकिन क्यों ना, अगर हैप्पी एंडिंग करना है तो फिर तो अनबैन ही रहने चाहिए ना। अरे तो लेकिन अब तो हो गया ना Senpai, मतलब सारे लोग तो बैन हो चुके हैं, पूछा नहीं, हम लोग भी आराम से क्विट कर देते सर्वर अगले सीजन अब आएंगे वापस। लेकिन बैन क्यों होना है? अगर इतना कुछ किया है हम लोग ने पूरे सीजन में डोमिनेट करने के लिए, ऑपरेटर लिया, तो बैन होना तो बहुत यूजलेस है। अरे मतलब यार देखना, समझना, बैन हो जाएंगे तो अपन फिर लॉग इन नहीं कर पाएंगे कभी, क्योंकि रिवाइव करने के लिए है नहीं, तो ये सीजन खत्म हो जाएगा। और कुछ है भी नहीं, अब करेंगे क्या? अब ऑपरेटर ही है हमारे पास, तो क्या कर सकते हैं? और भाई अनबैन रह के भी क्या करेंगे Senpai? बट मैं लीडर हूँ सीक्रेट सोसाइटी का, मुझे ये लगता है कि मतलब अगर हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी चीज हमको बैन नहीं कर सकती है। अगर हम लोग खुद से बैन हो जाएंगे तो काफी डम नहीं लगेगा ये भाई? अरे कुछ नहीं, अरे समझ ना Senpai, अब तो हो गया, अब कोई तू बता, हम बैन खुद से नहीं होंगे तो हमें करने वाला है कौन? कोई बचा है? अब क्या हम और युग भाई और आप तीनों, हम तीनों मिलकर क्या एक दूसरे को मारते रहे? अब तो बस कुछ नहीं है ऐसे, अब तो आई थिंक बेस्ट वे रखा जो युग भाई कह रहे हैं। जैसा तुम्हें क्या बोलूं मैं, जैसा तुम्हें सही लगे कर लेते हैं। कैसे मतलब? वही को मतलब कैसे, लावा में कूदना है क्या? हाँ क्या वही, लावा में कूदना है बस, हम तीनों वन हार्ट करेंगे, लावा में कूद जाएंगे, बैन हो जाएंगे। हाँ हो गया, ठीक है Senpai, फिर चलते हैं। अब क्या ही करना है, चलते और हो जाते हैं बैन। चल इलाइट्रा लेके भाई, चलते जल्दी, बैन हो जाते हैं अब, लेट्स गो। मुझे इन लोग का प्लान बिल्कुल भी नहीं पसंद आया था। रेक्सी को बचाने के लिए मैंने इस पूरी असेंबली को बैन कर दिया था एंड मैं रेक्सी को बैन होते बिल्कुल भी नहीं देख सकता था, लेकिन रेक्सी ऑलरेडी इस प्लान को करना चाहता था, इसलिए अब मैं कुछ भी बोल नहीं सकता था। ओके गाइस, तो हम यहाँ तक तो आ चुके हैं, चलते फटाफट से सारा सामान नीचे फेंकते हैं, हो जाते हैं बैन। लेट्स गो। LOL असेंबली सीजन 2 का एंडिंग। It was very fun playing on this server. बहुत मजा आ गया। बहुत ज़्यादा खतरनाक सीजन किया है एंड खुश हूँ कि हम लोग एंड तक सरवाइव करें। आरसी फेंक नहीं पाए, फेंक ही देते हैं। चलो फिर स्लैश विड्रॉ करते हैं। Let's go, ये सारे प्लेयर्स के हार्ट्स। एंड रेक्सी भाई, मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहूंगा, लाइक आपने मेरे को एंड टाइम पे इतना सारा सामान दिया जिससे मैं लड़ पाया उनसे, एंड बहुत सपोर्ट किया हर एक चीज में, हर एक सामान दिया आपने, साथ में हम लड़े हैं। बहुत अच्छा लगा यू भाई। वेल मैंने फर्स्ट टाइम आपके साथ काम किया है कभी भी एंड बहुत मजा आया, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है रेक्सी भाई, तो सबसे पहले मैं कूदता हूँ, गुड बाय। गुड बाय। व्हाट Senpai? Senpai पागल है क्या तू? अबे क्यों भाई, दिमाग खराब है क्या भाई, पागल है क्या तू भाई? नहीं भाई भाई भाई, रेक्सी मुझे करना पड़ा, नहीं करना था तू पहले बोलते। क्या लॉजिक है Senpai? सिर्फ पता दिमाग वाग सही है कि नहीं है? पूरे सर्वर को तूने बैन किया, युग अकेला मेरा टीम, तू नहीं था, युग था मेरे साथ हमेशा, क्यों बैन किया उसको तूने भाई? मैं नहीं था कि तूने मेरे को इग्नोर करके दूसरे टीममेट्स बनाए। रेक्सी मैंने पहले भी चीज बोली थी, तू कभी भी एक अच्छा दोस्त नहीं था, लेकिन भाई आई नेवर रियली मेंट इट। मैं चाहता था हम लोग अच्छे दोस्त बने, हम लोग थे भी, हमें हम लोग हमेशा से थे, हम लोग अभी भी हैं। इतना कुछ जो मैंने सर्वर में किया है, लोगों को बैन किया, क्यों किया है? तू तेरे लिए भाई, वो लोग तेरे को बैन करने आए, मैंने उन लोग को बैन कर दिया। उसके पहले उन लोगों ने तेरा बेस फोड़ा, मैंने उन लोग को बैन कर दिया। जीरो ने तुझे उस दिन पनिशमेंट देने की कोशिश करी, मैंने उसको भी बैन कर दिया। जीरो को बैन कर दिया तूने? हाँ एक्चुअली मैंने अभी उसको बैन किया जरा देर पहले, जब मैं बोला था कि मैं जा रहा हूँ अभी थोड़ी देर पहले, मैं जीरो को बैन करके आ रहा हूँ, मैंने उसका ऑफ ले लिया। तेरे को एक बात बताऊँ, मैं तू कहता है ना कि मैं अच्छा टीममेट नहीं हूँ, मैं अच्छा दोस्त नहीं हूँ, तू ना कभी एक अच्छा प्लेयर बन ही नहीं पाया भाई, पूरे सर्वर के सारे लोगों का मजाक खराब करके तूने उसे बैन किया।
मैं तेरे को पहले भी बोला था कि भाई तू सही नहीं कर रहा है, तुझे युग प्लेस अकेला मेरे साथ स्टार्टिंग से था भाई, तूने उसे भी मार दिया। रेक्सी मेरी बात समझ भाई, मेरा हमेशा से यही गोल था कि हम दोनों टिल द एंड रहे, तू ये बात क्यों नहीं रिस्पेक्ट करता, तू ये बात क्यों नहीं मानता, टिल द एंड है ये तेरा गोल था ना। एग्जैक्टली, एंड वो हुआ है नहीं हुआ सम्पाई, ये गोल तेरा कभी पूरा नहीं होगा। बाय बाय। नहीं रुक, रेक्सी तू बाय। तू कभी भी एक अच्छा टीममेट नहीं बन पाया। इतना सब करने के बाद भी वो खुश नहीं था, शायद मैं एक अच्छा दोस्त या टीममेट नहीं बन पाया, लेकिन थैंक्स टू रेक्सी दोस्ती के पागलपन में ये लोग कम मर गए, पता ही नहीं चला।